वेलकम टू डिजिटल न्यूज। कानपुर में होली का पर्व बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ। प्रेम और सौहार्द के इस त्योहार में सभी ने जमकर होली खेली। भक्तों ने सबसे पहले होली अपने इष्ट भगवान शिव के साथ आनंदेश्वर धाम पहुंचकर खेली। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिर में देखी गई। बता दें कि गुलाब और गेंदा की पंखुड़ी के साथ गंगा के किनारे भक्ति की रसधार में भीगते भक्तों ने अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के साथ जमकर होली खेली। भोले के इस दिव्य दरबार में उमड़ी भीड़ से परमठ का माहौल काशी जैसा नजर आया। बता दें कि पहले श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के साथ फूलों की होली खेली और फिर भक्ति में डूबकर अबीर गुलाल से एक दूसरे को सराबोर कर दिया। होली पर उड़ते अबीर गुलाल से सराबोर यह नज़ारा कहीं और का नहीं बल्कि कानपुर शहर की काशी कहे जाने वाले परमठ स्थित आनंदेश्वर मंदिर का है, जहां पर हजारों की संख्या में जुटे बाबा के भक्त सुबह से ही होली की मस्ती में दिखाई दिए। आनंदेश्वर बाबा के दर्शन करने के साथ ही श्रद्धालुओं ने सबसे पहले शिवलिंग का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया और इसके बाद फूलों की होली खेली। होली खेलते हुए भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाना जैसे ही शुरू किया, वैसे ही मंदिर परिसर बाबा के इन जयकारों से गूंज उठा। बाबा श्री आनंदेश्वर मित्र मंडली के पदाधिकारियों के साथ हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ नजर आया। वहीं श्री आनंदेश्वर मित्र मंडली ने भक्तों के होली खेलने के लिए गुलाब और गेंदा की पंखुड़ी की व्यवस्था पहले से ही की हुई थी। इतना ही नहीं, कन्नौजी इत्र और अबीर गुलाल के साथ मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया गया। वहीं मंदिर के महंत भी बाबा भोलेनाथ के साथ फूलों की होली खेलते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही बाबा श्री आनंदेश्वर मित्र मंडली के संयोजक और मित्र मंडली के लोगों ने भी एक दूसरे पर जमकर रंग बरसाए। मित्र मंडली के संयोजक ने बताया कि हर साल इसी तरह बाबा आनंदेश्वर मंदिर में भोलेनाथ के साथ भक्त होली खेलते हैं और बाबा के साथ होली खेलने के लिए आने वाले भक्तों का सिलसिला देर शाम तक चलता रहता है। उन्होंने बताया कि वैसे तो होली पर रंग खेलने का आनंद हर जगह है, लेकिन परमठ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के साथ होली खेलने में उन्हें और भी अधिक आनंद की अनुभूति होती है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.